हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनर्जी का क्वेश्चन जो कि हमारा नेट 2022 में आया था कि हमें एक एफ एंटायर फंक्शन दिया गया है और जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मोड एच जेड एफ ऑफ जेड माइनस वन प्लस इक्वी जेड लेस देन इक्वल टू वन प्लस मोड जेड। अब देखिए एफ हमारा एंटायर फंक्शन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हमें देखिए क्या करना है, हमें फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है जीरो पे क्या होगा। तो एक बात देखिए, अगर हम फंक्शन ढूंढ ले, कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढ ले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव करके उसकी जीरो वैल्यू बता सकते हैं। तो मेन काम हमारा क्या है कि हमें एफ को कंस्ट्रक्ट करना है, हमें एफ ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इस कंडीशन को यूज करता हूँ, तो हमारा क्या दिया गया, जेड प्लस जेड एफ ऑफ जेड माइनस वन प्लस ई की जेड का मोड लेस देन इक्वल टू वन प्लस मोड जेड, और एफ हमारा क्या एंटायर फंक्शन है। तो एक बात का पता है हमें, जो हमारा ई की जेड है, जो ई की जेड है हमारा एंटायर फंक्शन है, तो हम इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन ओपन कर सकते हैं। तो वो क्या होगी, वन प्लस जेड अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस जेड स्केयर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल टू फॉर्म। तो जो ये हमारा ई की जेड की एक्सपेंशन है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, जो हमारी जो e की z की एक्सपेंशन है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या होगा हमारा फंक्शन, माइनस वन प्लस वन प्लस जेड प्लस जेड स्केयर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल अप टू सम। वन से तो वन कट गया हमारा, इसको तो हम कर देते हैं रफ। तो एक बात देखिए, अब हमारा क्या बन गया, जेड एफ ऑफ जेड प्लस जेड प्लस जेड स्केयर बाई टू फैक्टोरियल और जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एफ बताना है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें पता है कि जो मोड की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो जीरो होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को जो पूरा का पूरा ये मोड के अंदर है, इसको मिनिमम कर देता हूँ इस नंबर से। मतलब कि हमें मोड को जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हम क्या कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन हो जाएगा वन प्लस जेड से। तो हम क्या करते हैं, अब हम देखना है कि मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन। तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो ले लेंगे। तो क्या आएगा हमारा, जेड एफ ऑफ जेड प्लस जेड प्लस जेड स्केयर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। अब मैं इसको जीरो ले लेता हूँ, तो ये क्या है, ये मिनिमम हो जाएगा। हमें पता है कि मॉडुलस की जो वैल्यू है, मिनिमम क्या हो सकती है, मिनिमम किसी भी फंक्शन किसी भी वैल्यू का अगर मॉडुलस करते हैं तो मिनिमम क्या हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। तो मैंने जीरो ले लिया। तो अब हम यहाँ से एफ देखते हैं क्या होगा। तो एफ आ जाएगा हमारा, ये उस साइड जाके नेगेटिव पूरा का पूरा, तो जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल अप टू सोन। अब जेड को ले आते हैं डिवाइड में, तो क्या हो जाएगी, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी और अप टू सोन। अब देखिए एफ हमारा मिल गया है, जो कि हमें मेन कंस्ट्रक्ट करना था एफ हमारा क्या है। अब देखिए ये क्या है, एंटायर फंक्शन है बिल्कुल, क्योंकि बोलना मिला तो एंटायर तो होगा। तो अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, तो क्या आएगा, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता तो नेगेटिव तो बाहर, तो क्या आएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा वन, यानी टू फैक्टोरियल प्लस टू जेड अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब एक बात देखिए, हमें जीरो वैल्यू निकालनी है। अगर मैं जीरो पुट कर देता हूँ इसमें, तो सारी जो आगे वाली टर्म हो तो जीरो हो जाएंगी, आगे वाली टर्म हमारी क्या हो जाएंगी, जीरो। और ये हमारा क्या है, टू फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारा वन अपॉन टू। तो हम ये निकालना था फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी, फर्स्ट डेरिवेटिव की जीरो की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी माइनस वन अपॉन टू। एक तो हमारा ये करेक्ट हो गया। अब हमें दूसरा निकालना है कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, अगेन इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया है अगेन, तो क्या होगा, देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, नेगेटिव बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जेड क्यूब आता है, जेड क्यूब अपॉन अपॉन फोर फैक्टोरियल अप टू सोम।
अब देखिए जब इसका मैं थर्ड टाइम डेरिवेटिव करूंगा, सॉरी सेकंड टाइम डेरिवेटिव करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो हमने क्या आया था, 3z का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये तो हमारा 0 बन गया था। अगर मैं अगेन इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6z अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अगर देखो अब मैं यहाँ पे z को 0 से रिप्लेस करता हूँ तो नेक्स्ट सारी टर्म है तो वो तो हो जाएंगी 0, वो तो हो जाएंगी 0, तो हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा -2 अपॉन एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव एट 0, वो आ जाएगा हमारा -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मींस -2 अपॉन 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी -1 अपॉन 3 आ जाएगा। ये हमें दिया हुआ है ये, तो इसके ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।